धौनी विधानसभा क्षेत्र का ऐसा गांव जहां आज भी 1500 आबादी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर, सड़क भी नहीं, बच्चों पढ़ाई प्रभावित। यह गांव भले सिंगरौली जिले में है लेकिन विधानसभा धौनी क्षेत्र में है। नया टोला पंचायत अलखपुर में इस तरह की दिक्कतें बनी हुई है। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के महामंत्री एवं विधानसभा के आदिवासी नेता आनंद सिंह ददुआ एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता प्रदेश संभागीय सचिव राजेश त्रिपाठी सिंगरौली ने क्या कहा, सुनिए पूरी जगन्नाथ द्विवेदी के साथ पूरी बात। तो हम तो मीडिया के माध्यम से सिंगरौली जिला के कलेक्टर महोदय को कहना चाहते हैं कि वहाँ जल्दी से जल्दी आप लोग लाइट व्यवस्था करवाएं, और नहीं तो हम लोग जिला कांग्रेस सिंगरौली से बात करके और बिजली विभाग का घेराव कराएंगे। आपका सीधी सिंगरौली जिला भले है लेकिन विधानसभा धौनी है, सीधी कांग्रेस में भी वहाँ धरना प्रदर्शन कर सकती है, क्या जरूरी है सिंगरौली की कांग्रेस कमेटी करे, क्योंकि विधानसभा सिंगरौली धौनी है। सीधी से भी कर सकते हैं, धौनी विधानसभा है, धौनी विधानसभा के कांग्रेस के लोगों से बात करके और हम लोग वहाँ का DC जो नज़दीक होगा वहाँ का घेराव। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जो वादा करते हैं आज उसी वादे पर मुकर रहे हैं, रोशनी नहीं मिली, 4 साल से गाँव अंधेरे में है, वहाँ जनता को समस्याएँ उठानी पड़ी, आप क्या मानते हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे शिवराज सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि सबसे बड़े झूठ मुख्यमंत्री है। उनके द्वारा क्या कहा, लगातार घोषणा तो की जाती है लेकिन आज तक उनका घोषणा कोई पूर्ण नहीं होता। धौनी विधानसभा में जब उनका दौरा होता है तो लगातार घोषणा करके चले जाते हैं, कभी कहते हैं कि मड़वास को हम तहसील बना देंगे, कभी कहते हैं चैकी चौकी को TI थाना बना देंगे, और कभी आप लोग इसमें कोई पहल नहीं किए आज तक। आपको ये अमल्लापुर जैसे पंचायत के अलावा भी अन्य पंचायतें होंगी जहां इस तरह की समस्याएं, पानी बिजली सड़क की समस्याएं हैं, इस पर आप लोग क्या पहल किए हैं? देखिए क्या है कि जहां तक हमारा बात है तो जहां तक हमको जानकारी मिली है और जहां हमको जानकारी मिली है, अभी तो आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से हमको वहाँ खबर चला है, तो अभी तो हम मीडिया के माध्यम से वहाँ के कलेक्टर से निवेदन करना चाह रहे हैं कि वहाँ लाइट लगवा दी जाए। ऐसा ना हो कि हम कभी जिला कांग्रेस की तरफ से धौनी विधानसभा में नज़दीकी DC बिजली विभाग का जहाँ हो हम लोगों को घेराव न करना पड़े। आपके धौनी विधानसभा में एक अमलकपुर गांव है जहाँ आज भी 1500 लोग, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, 1500 लोग रोशनी से वंचित हैं, सड़क नहीं है, बच्चों को पढ़ाई प्रभावित होती है, मरीजों को जाने के लिए सड़क नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए धौनी विधानसभा क्षेत्र अमलकपुर पंचायत है जो सिंगरौली जिले में आती है। नवा नगर में अभी हमको पता चला है कि वहाँ लाइट व्यवस्था नहीं है और कई खंभे रोड के किनारे पड़े हैं और वहाँ लगाए नहीं गए और ग्रामीण जनता वहाँ पर परेशान है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हम विकास यात्रा चलाते हैं और दूसरी तरफ हमको जहाँ तक पता है कि धौनी विधानसभा के कई ऐसे गांव हैं कि जहाँ बिजली पानी का भी बहुत पहुँचा नहीं है। यस विभाग जी के कार्यपालन अंतिम हिमांशु तिवारी जी हैं जो दो विधायकों के करीबी माने जाते हैं। आपके क्षेत्र में बिना NOC भी काम कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उस पर विरोध आप लोग नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, आपको हम बता दें कि अभी मीडिया के माध्यम से हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के और हिमांशु तिवारी RES के ई के लगातार विरोध करते आए हैं कि बगैर हिमांशु तिवारी के कोई फाइल में दस्तखत नहीं होती है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नहीं करते हैं, जो भी काम दिया जाता है RES विभाग को दिया जाता है। और हम तो ये कह रहे हैं कि कुसमी मझौली में मीडिया के माध्यम से मीडिया भी जाके वहाँ जांच कर ले, कुसमी मझौली में जितना RES का काम हो रहा है सब केवल कागज़ में हो रहा है, पूरा फर्जी हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बैठे विधायक और मुख्यमंत्री कोई सुनने वाले नहीं हैं, हम तो लगातार बात कर रहे हैं। भाई साहब, आपके धौनी विधानसभा अंतर्गत एक नया टोला पंचायत है जो कि अमलकपुर में, जहां सुनने को मिला है कि 4 साल से खंभा गिरा है, 10-20 खंभे गिरे हैं लेकिन वहां आज तक रोशनी नहीं पहुंची, गांव के लोग अंधेरे में रहते हैं, आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, इस मामले में क्या पहल कर रहे हैं?
इस मामले में आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आज ये करीब 15 वर्षों से चल रही है, और हमारे ये अमलकपुर पंचायत में करीब वहाँ 1400-1500 आदिवासियों की आबादी है। वहाँ 11000 वोल्टेज की बिजली की जो खंभा आज करीब 10-15 वर्षों से रोड के किनारे पड़े हुए हैं। आज तक वहाँ न कोई उसका पहल कर रहे हैं, न कोई कुछ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। आज हर दिन आदिवासी लोग जो है तो चिमनी के प्रकाश में रहते हैं, चिमनी है उनको आज कम से कम 120 रुपये प्रति लीटर तो मिट्टी का तेल मिल रहा है। आज गरीब परिवार जो है तो मिट्टी का तेल भी नहीं पा रहे हैं, आज अंधेरे में अपना गुजारा कर रहे हैं, आज उनका कोई देख रेख भाल नहीं कर रहा। तो हमारा यही निवेदन है माननीय आदरणीय शिवराज सिंह जी मामा जी से कि मामा जी हरिजन आदिवासियों को कम से कम वहाँ का मतलब निराकरण किया जाए, और वहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय कुमार सिंह टेकाम जी को जरूर वहाँ अवगत कराएं, और वहाँ हरिजन आदिवासियों का लाइट व्यवस्था एवं पानी की व्यवस्था, पानी भी बेचारे वहाँ तालाब में जाते हैं तालाब भी सूख जाता है, और एक वहाँ आने जाने का साधन जो है वहाँ अगर बीमार कोई हरिजन आदिवासी पड़ जाता है तो एक पुलिया बनी है वहाँ पे, लेकिन